What's up guys, welcome to my YouTube channel again, hope you're fine. And guys, this video is especially on our FPV drones. I have made a list of which I have covered all the points. Now, many people have asked me about this. So guys, FPV drones are not available on my channel, videos available on FPV drones. So I am making a special video in which I will give you a special FPV drones information. And before we start the video, guys, I have told you in the first video that you can share us with us on Instagram. So now, many people have shared us videos on their drones, which video you can share. So let's start the video before we watch the video. तो गाइस जिसके आपने वीडियो में देखा ये इन्होंने बहुत ही अच्छा जो है ड्रोन बिल्ड किया हुआ है इन्होंने जो है मुझसे बताया था कि इस ड्रोन में जो है डीजा नाजा एम लाइट उन्होंने जो यूज़ किया हुआ है और फ्रेम जो है S500 क्वाड की फ्रेम है ये सब बहुत अच्छी है मोटर भी बहुत अच्छी तो ये सारे जो पार्ट्स है गाइस वो हमारी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है तो अगर आपको परचेस करना होगा तो आप वेबसाइट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके जो है लिंक मैंने दी हुई है वेबसाइट की वहाँ पर जाकर आप जो है सारे पार्ट्स बहुत ही चीपेस्ट प्राइस में जो है परचेस कर सकते हो अगर गाइस अगर आपको भी आपकी वीडियो जो है हमारे चैनल के ऊपर दिखानी हो तो आप जस्ट वीडियो जो है मेरे इंस्टा आईडी पे शेयर कर दीजिए आपको ये जो इंस्टा आईडी दिखाई दे रहा होगा तो उस इंस्टा आईडी पे शेयर कर दीजिए कौन से वीडियो आपके फ्लाइट टेस्ट की हो प्रॉब्लम्स की हो या फिर अगर आपको हमारे चैनल के रिलेटेड कोई भी फीडबैक देना है तो उसकी वीडियो जो है आप हमारे चैनल के ऊपर शेयर कर सकते हैं तो चलिए गाइस वीडियो को शुरुआत करते हैं एफपीवी ड्रोन्स के ऊपर मैंने ये वीडियो बनाई है तो एफपीवी ड्रोन्स के रिलेटेड सबसे पहले बात करते हैं गाइस कि एफपीवी ड्रोन्स जो है उसमें क्या हम बहुत ही हाई क्वालिटी के फ्लाइट कंट्रोल बोर्ड यूज़ कर सकते हैं या नहीं तो उस केस में गाइज मैं तो ये नहीं कह सकता कि आप कौन से मतलब हाई वोल्टेज यूज़ कर सकते हो या नहीं एफपीवी ड्रोन्स के लिए स्पेशल फ्लाइट कंट्रोल बोर्ड बने हुए हैं तो अगर आप सोच रहे हो कि उसमें पिकसॉक वगैरह यूज़ करूँ ऐसी बात नहीं कि आप पिकसॉक यूज़ नहीं कर सकते गाइज लेकिन वो जो है थोड़ा बल्की हो जाता है तो अगर आप खास तर की जो एफपीवी ड्रोन्स के लिए जो बने हुए हैं फ्लाइट कंट्रोल बोर्ड वो यूज़ करें तो बहुत ही अच्छा होगा फॉर एग्जाम्पल एसपी रेसिंग जो फ्लाइट कंट्रोल वो यूज़ कर सकते CC3D यूज़ कर सकते हो देन जो मिनी पिकसॉक है वो यूज़ कर सकते हो और जो APM प्रो है वो भी यूज़ कर सकते हो गाइस ये जो है खासकर FPV ड्रोन्स के लिए जो है बिल्ड हुए हैं और ज़्यादातर लोग जो FPV ड्रोन्स के लिए ही इसमें जो है इस्तेमाल करते थे ये हो गए फ्लाइट कंट्रोल की बात अभी यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है कि क्या हम FPV ड्रोन्स में जो हमारे नॉर्मल ब्रशेस मोटर होती है वो यूज़ कर सकते हैं क्या तो नहीं गाइस वो आप यूज़ नहीं कर सकते FPV ड्रोन्स के लिए जो है आपको ज़्यादा हाई KV की मोटर्स चाहिए जैसे कि 2200 या फिर 2700 के आसपास KV की मोटर आपको चाहिए कभी कभी 3000 के आसपास भी जो है लोग यूज़ करते हैं तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि FPV की जो है अलग से किट आती है गाइस आप हमारे वेबसाइट के ऊपर जाकर देख सकते हो उसकी भी अलग से मोटर आती है छोटे वाली मोटर होती है और KV बहुत ही ज़्यादा होती है तो वो मोटर लगती है गाइस FPV ड्रोन्स के लिए नॉर्मल कौन से मोटर यूज़ नहीं कर सकते और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पूछा गया है कि FPV ड्रोन्स के लिए कितने एम्पेयर का EAC यूज़ करना चाहिए तो गाइज जो ड्रोन्स है FPV ड्रोन्स के लिए उसमें ज़्यादातर हम जो है 10 एम्प से लेकर 20 एम्प या 25 एम्प तक के EAC जो है यूज़ करते हैं मैक्सिमम 30 एम्प के ऊपर की EAC जो FPV ड्रोन्स है इसमें इस्तेमाल नहीं करते गाइज और EAC जो है वो आपको ओप्टो EAC यूज़ करना है गाइज नॉर्मल EAC की जगह अगर ओप्टो EAC यूज़ करेंगे तो वो बहुत ही अच्छे रहेंगे गाइज बहुत ही अच्छा जो है यहाँ पे जो चॉइस है वो रहेगा ओप्टो EAC यूज़ करना तो वही मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जो EAC है वो ज़्यादातर 12 एम देन आपका 20 या फिर 25 के आसपास आप यूज़ करिएगा बहुत ही अच्छा जो है वो परफॉर्मेंस देगा और ख़ासकर अगर आप ओप्टो यूज़ करेंगे तो और ज़्यादा अच्छी बात है तो गाइज़ अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो FPV ड्रोन्स में कितनी सेल की बैटरी और कितने MAH की हमें यूज़ करनी चाहिए
तो एफपीवी ड्रोन्स में गाइस ज़्यादातर हम जो है ज़्यादा बड़ी बैटरी यूज़ नहीं करते हैं। नॉर्मल जो बैटरी होती है हमारी, जैसे कि 2200 mAh से लेकर 3000 या 3500 तक मैक्सिमम यूज़ करते हैं। और सेल रेटिंग जो है वो 2 cell से लेकर 3 cell तक हम यूज़ करते हैं। मैक्सिमम जो है 3 cell तक ही यूज़ करने चाहिए मेरे हिसाब से। ज़्यादा बड़ी बैटरी आपको यूज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक्स है एफपीवी ड्रोन्स जैसे मोटर, ईएससी, वो ज़्यादा सेल की बैटरी को सपोर्ट नहीं करते हैं। मैक्सिमम आपको जो है 3 cell तक आप जा सकते हो। तो 3 cell की आपको लिथियम पॉलीमर बैटरी यूज़ करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा 3200 mAh तक। ज़्यादा बड़ी आपको यूज़ नहीं करनी, अदरवाइज आपका फ्लाइट टाइम बढ़ने की जगह उल्टा कम हो जाएगा, क्योंकि बैटरी का वेट भी बढ़ता है गाइस एमएच की, अगर आप एमएच बढ़ाओ तो। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया गाइस कि एफपीवी ड्रोन्स में जो है हम कौन से ट्रांसमीटर या फिर हाई क्वालिटी के ट्रांसमीटर यूज़ करने चाहिए या फिर लो क्वालिटी के या हमें यूज़ करना चाहिए। तो गाइस ये जो है क्वेश्चन थोड़ा अलग है, ये जो है आपके बजट के ऊपर डिपेंड है। आप एफपीवी ड्रोन में जो है नॉर्मल वाला ट्रांसमीटर भी यूज़ कर सकते हो और हाई क्वालिटी का भी यूज़ कर सकते हो। एफपीवी ड्रोन्स में आप जो है फ्लैश का i6 भी यूज़ कर सकते हो और उसी की जगह Aeromodeling 89 भी यूज़ कर सकते हो। तो आप ये जो है डिपेंड होता है आपके बजट के ऊपर और आपका जो एप्लीकेशन कैसा है। अभी एफपीवी ड्रोन्स में तो आप ज़्यादा कोई कर नहीं सकते। जो है एफपीवी ड्रोन जो है हम नॉर्मली अपने नॉर्मल एप्लीकेशन के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि आपका वीडियो शूटिंग्स वगैरह हो गए, GoPro के जो अगर आपको जो है फास्ट शॉट्स लेने हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो इसलिए अगर आप फ्लैश का i6 भी यूज़ करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी बहुत ही अच्छा क्वालिटी का ट्रांसमीटर है और बहुत ही बढ़िया है एफपीवी ड्रोन्स के लिए। देन गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए कि क्या हम एफपीवी ड्रोन्स की फ्रेम घर पर बना सकते हैं या नहीं। तो हाँ गाइस, आप जो एफपीवी ड्रोन्स की फ्रेम होममेड भी बना सकते हैं। बस आपको जो है एक बात ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो उसका जो वेट है वो बहुत ही कम होना चाहिए, ज़्यादा वेट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज फिर आपको जो है प्रॉब्लम्स आएंगी और जो फ्लाइट टाइम है वो भी बहुत ही कम हो जाएगा। तो इसलिए गाइस आप जो है घर पर भी बना सकते हो, लेकिन अगर मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप जो है कार्बन फाइबर की जो फ्रेम मार्केट में मिलती है या फिर हमारे वेबसाइट के ऊपर मिलती है वो ले लीजिएगा, क्योंकि वो जो है बहुत लाइट वेट और छोटी होती है। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि एफपीवी ड्रोन्स की मैक्सिमम स्पीड क्या होती है गाइस। तो ये जो है अभी तक की रिकॉर्ड की गई मैक्सिमम स्पीड जो है एफपीवी ड्रोन्स की वो तकरीबन 270 के आसपास थी, सॉरी 170 किलोमीटर पर आवर के आसपास जो है थी एक एफपीवी ड्रोन्स की स्पीड। तो नॉर्मली हमारे जो एफपीवी ड्रोन्स होते हैं गाइस जो हम बिल्ड करते हैं, जो कि सारे जो पार्ट्स हमारे वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, वो आप जो है तकरीबन मैक्सिमम जो है 130 के आसपास जा सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा स्पीड है गाइस, तो आपको जो है फ्लाइंग करते वक्त थोड़ा जो है बात ध्यान में भी रखनी पड़ेगी। और गाइस ये जो सारे अगर आपको एफपीवी ड्रोन्स रेट कौन से भी अगर पार्ट्स अगर आपको परचेस करना है तो वो सारी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखी है या फिर आप यहाँ भी देख सकते हो droneculture.in, तो वहाँ पर जाइए आप सारे जो एफपीवी के पार्ट्स मोटर्स वगैरह जो सारे वो भी पार्ट्स वो बहुत ही चीपेस्ट प्राइस में इंडिया में खरीद सकते हो। और आपको अगर मोर डिटेल चाहिए होगी तो आप मेरे जो इंस्टा आईडी है वहाँ पर जाइए और आप जो मुझसे मैसेज भी कर सकते हैं। और बस गाइस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और आपके भी कोई क्वेश्चन होगा तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं या फिर मेरे इंस्टा आईडी पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे जरूर रिप्लाई दे दूंगा। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।